जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हम देखने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है हाउस रेंट अलाउंस। जनरली जो भी एम्प्लॉयर होता है बच्चों, वो ये हाउस रेंट अलाउंस अपने एम्प्लॉय को देता है, जिसके लिए कुछ यहाँ पे एग्जेम्पशन हमारे पास अवेलेबल है बच्चों। वो एग्जेम्पशन से रिलेटेड ये कैलकुलेशन पूरी करनी है, जैसे हम ग्रेच्युटी में देख चुके हैं, जैसे हम एंटरटेनमेंट अलाउंस में देख चुके हैं। बट वहां पे एक फर्क ये था कि वहां पे एक मैक्सिमम अमाउंट फिक्स थी, ग्रेच्युटी में 20 लाख एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस में 5,000, जबकि यहाँ पे फॉर्मेट में थोड़ा सा फर्क रहता है बच्चों। पहले हम लिखते हैं एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बदल रहा है, जो मैक्सिमम अमाउंट थी उसकी जगह एक्चुअल रेंट पेड, जो भी एम्प्लॉय है उसने कुछ रेंट पे किया होगा, माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो वो 10% ऑफ सैलरी जो है वहां तक का जो पार्ट है वो यहाँ पे याद रखना है खास। देन थर्ड पॉइंट में दो ऑप्शन है, 40% ऑफ सैलरी हम इंक्लूड करेंगे, बट व्हाट इज सैलरी? तो बच्चों यहाँ पे सैलरी यानी बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस फॉर पीएफ पर्पस या रिटायरमेंट पर्पस हम कहते हैं, एंड सेल्स कमीशन ऑन ओवरऑल टर्नओवर, जो भी टर्नओवर पे परसेंटेज में हमें दिया जाता है सेल्स कमीशन, जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें इस एचआरए में, तो वो सैलरी में इंक्लूड करेंगे, उसी का 10%, उसी का 40% लेना है। और मैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है बच्चों 50% ऑफ सैलरी। अब चार सिटीज ऐसी है बच्चों जिसे मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है, दैट इज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। वहां की लाइफ थोड़ी महंगी है ऐसा हम समझते हैं, ऐसा मानते हैं एम्प्लॉयर भी, तो उस केस में वहां पे 40% ऑफ सैलरी नहीं लिया जाता, वहां पे लिया जाता है 50% ऑफ द सैलरी। फिर इन तीनों में विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्टेड, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं, दैट विल बी अवर एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस, एंड उसके बाद एक्चुअल अमाउंट जो मिली है उसमें से एग्जेम्प्टेड माइनस करते हैं, दैट विल बी अवर टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए। तो बच्चों ये जो है पार्ट हो गया हमारा फॉर्मेट का, कैसा रहेगा फॉर्मेट। अब इससे रिलेटेड हमें कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स देखने हैं, तो इस सेशन को हम शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल के साथ। तो बच्चों अब हमें देखना है हमारा सम नंबर 11A बुक के अंदर दिया गया, अगर आपके पास बुक है तो, अगर नहीं है तो वो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे स्क्रीन पे। डेटा दिया गया, उसमें बताया गया श्री अनिल सेठ ऑफ सूरत। देखो यहाँ पे बच्चों सिटी ध्यान रखनी है, सूरत दिया हुआ है, इट इज नॉट अ मेट्रोपोलिटन सिटी। तो यहाँ पे हमें ये 50% ऑफ द सैलरी वाला पॉइंट जो है बच्चों वो इंक्लूड नहीं करना है इस पार्ट के लिए। ठीक है, तो ये खाली हमारा हो जाएगा 40% ऑफ सैलरी ओनली, जितनी भी सिटीज नॉर्मल सिटीज है एक्सेप्ट दैट 4 सिटीज, तो उसके लिए ये खास याद रखेंगे हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सूरत की वजह से हमें पता चल गया इट इज नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। आगे बताया गया है बेसिक सैलरी वॉज ₹80,000 पर एनम। बच्चों यहाँ पे हम पर एनम की कैलकुलेशन करने वाले, अगर मंथली दिया जाए तो इंटू 12 करेंगे, जैसे कि लास्ट सेशन में हमने एंटरटेनमेंट अलाउंस में किया था। तो ओके, दैट इज बेसिक सैलरी। डीए दिया हुआ है विच इज एडेड टू सैलरी फॉर पीएफ पर्पस, रेडीमेड दिया हुआ है। ठीक है, तो 2,40,000 वाज बेसिक सैलरी बच्चों, एंड 80,000 जो है वो दिया गया है हमें डीए, एंड ₹80,000 पर एनएम एज हाउस रेंट अलाउंस। अब हाउस रेंट अलाउंस एक्चुअल रिसीव्ड वो हमें दिया हुआ है ₹80,000। तो बच्चों यहाँ पे खास ध्यान रखना है, यानी जो सैलरी की अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो, सैलरी की कैलकुलेशन करनी है तो बेसिक सैलरी है 2,40,000 प्लस उसमें डीए जो है वो दिया हुआ है हमें 80,000, कमीशन नहीं दिया, जीरो लिखो या ना लिखो तो भी चलता है। देयरफॉर द टोटल सैलरी की अगर कैलकुलेट करना चाहे तो दैट इज 3,20,000। ठीक है, तो पहले स्टेप में एक्चुअल अमाउंट हमारे पास है एक्चुअल एचआर 80,000 रुपीज, देन एक्चुअल अमाउंट पेड जो उन्होंने रेंट पे किया है, अगर क्वेश्चन में आप देखते हो बच्चों तो क्वेश्चन में आगे बताया गया है कि ही एक्चुअली पेड ₹96,000 पर एनम एज रेंट फॉर हिज रेसिडेंशियल हाउस। तो 96,000 उन्होंने एक्चुअल रेंट पे किया है बच्चों, यहाँ पे खास ये ध्यान रखना है 96,000 एक्चुअल रेंट पेड। अब माइनस हमें करना है 10% ऑफ 3,20,000, दैट विल बी 32,000। समझना है तो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ आपके लिए, बाकी डायरेक्टली 10% तो हम कभी भी इजीली निकाल ही पाने वाले हैं। तो 96,000 हमारे पास अमाउंट है
रेंट जो उन्होंने पे किया उसकी, उसमें से हम 32,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी 64,000। तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये होगा, देन 40% ऑफ द सैलरी, ठीक है, 40% ऑफ सैलरी यानी 40% ऑफ हमें निकालना है 3,20,000। सो नेचुरली 40% ऑफ 3,20,000 तो दैट विल बी 1,28,000। ये अमाउंट हमें मिल रही है 1,28,000 बच्चों। अब जैसे कि हम यहाँ पे कह ही चुके हैं आगे भी कि हमारे पास जो भी ये तीन अमाउंट है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग या विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है, तो विच एवर इज लेस, सब में हम यहाँ पे इन तीनों में जो सबसे कम वैल्यू है यानी 64,000, एग्जेम्प्टेड के लिए ई लिख सकते हो। सो 64,000 जो बच्चों दैट इज अवर एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस, और उसमें से फिर 80,000 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 64,000 तो हमें मिलेगा टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस यानी 16,000, ठीक है। तो 16,000 जो है वो टैक्सेबल अमाउंट गिनी जाएगी। तो बच्चों ये पहला बहुत ही एकदम प्यारा सिंपल सा सम हमारा हो गया। अब देख लेते हैं आगे दूसरा एग्जाम्पल बच्चों। नेक्स्ट सम जो दिया गया है वो है हमारा सम नंबर 11B। क्वेश्चन में श्री युवराज सिंह के बारे में बताया गया है, ठीक है। डेटा जो है लास्ट में, अभी जो पहला सम देखा उसमें ईयरली था, अब जो इस सम के अंदर है बच्चों, युवराज सिंह इज सर्विंग एज इन अ प्राइवेट फॉर्म विथ सैलरी 30,000 पर मंथ। तो बेसिक सैलरी जो है बच्चों उनकी 30,000 पर मंथ दी गई है, यानी पर मंथ के हिसाब से अगर इंटू 12 करोगे तो हमें यहाँ पे उसका अमाउंट गिनना पड़ेगा 12 × 3,000 30,000, तो दैट विल बी 3,60,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, देन उन्होंने बोला हुआ है कि ही ऑल्सो गेट्स 50% ऑफ बेसिक सैलरी एज डियरनेस अलाउंस आउट ऑफ विच 50% इज कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट पर्पस। तो हमें इसमें करना पड़ेगा 50% ऑफ 3,60,000, ठीक है। टेक्निकली कहते हैं बच्चों तो एकदम सिंपल सा काम है, कुछ ज्यादा करना नहीं है, ठीक है। 90,000 होगा, 3,60,000 का 50% डीए और उसका 50% पीएफ पर्पस के लिए, यानी दैट विल बी 90,000 रुपीस, ठीक है। सेल्स कमीशन के बारे में डेटा दिया हो तो देखेंगे, ठीक है। तो ये हमें ईयरली में कन्वर्ट करना है, हमने सिंपली डीए पीएफ पर्पस कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। अब ही ऑल्सो रिसीव्स 25% ऑफ बेसिक सैलरी एज हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। तो एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस जो है, एक्चुअल एचआरए, वो 25% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी यानी 3,60,000 है, ठीक है। तो 3,60,000 जो है उसका हमें निकालना पड़ेगा 25%, तो वो होगा 90,000, ठीक है। तो 90,000 बच्चों जो है वो है एग्जैक्टली 90,000 रुपीज इज द एक्चुअल एचआरए। देन कोई यहाँ पे हमें सेल्स कमीशन का डेटा दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो अगर हम टोटल सैलरी गिनने जाए बच्चों, तो टोटल सैलरी विल बी 3,60,000 प्लस 90,000, तो वो अमाउंट होगी 4,50,000। तो अमाउंट जो है टोटल सैलरी जो है 4,50,000 हो गई है, ठीक है। तो 4,50,000 इज द टोटल सैलरी। आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे की कैलकुलेशन सिंपल है। रेंट के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, ही पेज ₹7,000 पर मंथ रेंट। तो रेंट के लिए 12 × 7 84,000 वो पे कर रहे हैं ईयरली, 10% ऑफ द सैलरी। अब मैं सीधा 10% निकालूंगा, सैलरी 4,50,000 है यानी वो होगा 45,000, ठीक है। तो सिंपली 84,000 माइनस 44,000 अगर हम करते हैं तो दैट विल बी 39,000 रुपीज। तो ये जो अमाउंट है वो हमें मिल गई हमारी सेकेंड स्टेप की अमाउंट। थर्ड स्टेप में 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि एज वी नो दैट दिस इज नॉट मेंशन्ड एज एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी, सिटी का नाम मेंशन ही नहीं किया है, ना मेंशन किया हो तो नेचुरली उसे नॉर्मल में कंसिडर करना है। तो सिंपली हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 4,50,000 जो है उनकी टोटल सैलरी,
उसका हमें निकालना है सिंपली 40%, तो दैट इज 1,80,000। तो बच्चों ये जो अमाउंट मिली तीनों, उसमें कम से कम अमाउंट यानी 39,000 है, दैट विल बी अवर एग्जेम्प्टेड एचआरए। यानी नया पार्ट वैसे कुछ है नहीं, इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी। पहले तो मंथली को ईयरली में कन्वर्ट किया हमने बेसिक सैलरी, देन उसका पीएफ पर्पस निकाला जो है रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड। अब 90,000 जो अमाउंट है बच्चों, उसमें से फाइनली हम सबट्रैक्ट कर देंगे एग्जेम्प्टेड जो हमारा एचआरए है, तो 51,000 विल बी अवर टैक्सेबल एचआरए। तो थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, तो ये एचआरए वाला पार्ट इजी रहने वाला है। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी का एक सम। तो बच्चों अब गुजरात यूनिवर्सिटी अक्टूबर 19 का क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि मिस्टर ए स्टेज इन बड़ौदा, नेचुरली बड़ौदा है यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से नहीं है, एंड हिज एनुअल बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी बच्चों यहाँ पे हमें दी गई है 96,000 रुपीज, ठीक है। पुराना डेटा जो है वो अब हटा देते हैं, हम नए सम के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 96,000 डीए पर्पस, अब दिया क्या है, ही गेट्स और डीए ऑफ 10% विच इज कंसिडर्ड फॉर प्रोविडेंट फंड। तो सीधा इसका 10% निकालना है, यानी 10% ऑफ 96,000 जो है वो डीए होगा उनका फॉर पीएफ पर्पस या रिटायरमेंट पर्पस। उसके बाद ही रिसीव्स अ कमीशन ऑफ 7% ऑन ही सेल ऑफ 1,72,000। तो फर्स्ट टाइम हमें बच्चों सेल्स कमीशन वाला पॉइंट ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, दैट इज हम निकालेंगे 7% ऑफ 1,72,000, ठीक है। तो 7% ऑफ 1,72,000 दैट विल बी रुपीज 12,040, 12,040। फिर इसमें हम बाकी की अमाउंट ऐड कर देते हैं बच्चों, तो 96,000 भी ऐड करें तो टोटल अमाउंट जो है सैलरी जो है बच्चों वो मिलने वाली है 1,17,640। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट नया है जिसमें हमें सेल्स कमीशन कैलकुलेट करने का मौका मिल रहा है। ऐसा हमारी बुक में एक क्वेश्चन है, सम नंबर 26B। बच्चों यहाँ पे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर जो ईयर हो उस हिसाब से हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको मेंशन करना है, आगे बढ़ते हैं। फिर बताया हुआ है ही रिसीव्स हाउस रेंट एंड अलाउंस ऑफ 12,000 पर एनम। अब ये भी जो है पर एनम दिया गया है 12,000 रुपीज, ठीक है। सो 12,000 हाउस रेंटल दिया हुआ है 2019 के हिसाब से, एक्चुअल रेंट एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। देन उन्होंने बताया हमें यहाँ पे दैट ही पेज हाउस रेंट ऑफ 12,700 रुपीज, यानी 12,700 रुपीज हाउस रेंट पे कर रहे हैं। 10% ऑफ सैलरी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, 10% अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 10% विल बी 11,764। सो 12,700 में से माइनस करेंगे 11,764, सो दैट विल बी 936 रुपीज ओनली, ठीक है। खास ये ध्यान रखना है, अब कंप्यूट करना है इसको हमें हमारे हिसाब से। तो अब 40% ऑफ सैलरी निकालना है खाली बस, तो 1,17,640 उसका हमें निकालना है 40%, तो दैट इज 47,056, ठीक है। यानी टेक्निकली 40% ऑफ 1,17,640, ये अमाउंट आप सीधा भी लिख सकते हो। अब इन तीनों में विच एवर इज लेस, यानी 936 रुपीज ओनली, खाली 936 रुपीज है बच्चों। सो 12,000 में से 936 माइनस करेंगे तो टैक्सेबल जो अमाउंट है वो होगा 11,064 रुपीज, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये सेल्स कमीशन का पॉइंट ऑब्जर्व करने को मिला है। इसके जैसा सेम सम हमारे पास है बुक में 26 का B, तो वो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ कौन सा नाम दिया हुआ है वहां पे, अजय नाम दिया हुआ है, ठीक है। और ही एंड ही इज अ रेसिडेंट ऑफ कानपुर, कानपुर में रहते हैं, तो वो सम आप आराम से कर पाओगे। इसके जैसा ही सेम सम हमारे पास है 26 का नंबर जो दिया गया है वो, ठीक है। ओके, न्यू बुक में ओनली 26 दिया है, बी मेंशन किया गया नहीं है, ठीक है। तो 26 नंबर आप देख पाओगे, सॉल्व इजीली कर पाएंगे, ठीक है। बच्चों अब हमें देखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एचआरए।
तो बच्चों अब हम देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि सम नंबर 33 है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें बच्चों उन्होंने ग्रेड पे दिया हुआ है। क्वेश्चन आप पूरा ऑब्जर्व कर सकते हो। श्री गणेश भाई ज्वाइंड एज अ सेल्स मैनेजर इन अ कंपनी ऑफ मुंबई। तो बच्चों फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे मेट्रोपोलिटन सिटी दिया, इसलिए हम थर्ड पॉइंट में 50% ऑफ सैलरी लेने वाले हैं। अब इसके अलावा भी नया क्या है? तो ग्रेड पे दिया है 12,600, 15,000, देन 1,2500। यानी कि सैलरी जब उन्होंने ज्वाइन की होगी कंपनी, 12,000 से उनकी सैलरी स्टार्ट हुई होगी। फिर आफ्टर एवरी ईयर 600 रुपए इंक्रीमेंट मिलेगा जब तक उनकी सैलरी 15,000 ना हो जाए, और उसके बाद उनको 1,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा। मैक्सिमम सैलरी उनकी होगी 25,000। तो ग्रेड पे का ये मतलब रहता है। उन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ है बच्चों बाद में कि 1 जनवरी को उनकी बेसिक सैलरी थी 13,800, ठीक है? तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च, ये एक साल के दौरान कितनी बेसिक सैलरी हुई होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है? और फिर उनके डीए के लिए उन्होंने दिया है 1st 6 month of 2023, यानी जनवरी 2023 से जून 2023। अब हमारा जो ईयर है स्टार्ट होता है नेचुरली अप्रैल 2023 से, यानी हमें अप्रैल में जून के लिए 3 महीने के लिए डीए कैलकुलेट करना होगा। दैट विल बी 30% ऑफ बेसिक पे। तो वो हमें बेसिक पे बेसिक सैलरी अभी कैलकुलेट करनी है कि मार्च के बाद अप्रैल में, यानी कि जनवरी 2023 से क्या होगी, ठीक है? देन लास्ट 6 मंथ यानी जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक 40% ऑफ बेसिक पे है। एंड नेक्स्ट जो है हमें नेचुरली मार्च तक ही जाना है हमारे प्रीवियस ईयर में, तो मार्च 2024 यानी 3 महीने में उनको 50% बेसिक पे का लेना है, ठीक है? बताया है ही हैज रिसीव ₹1,200 पर मंथ एज हाउस रेंट अलाउंस। 1,200 पर मंथ है, यानी 1,200 × 12 करना पड़ेगा, दैट विल बी 14,400। तो 14,400 उनका एक्चुअल एचआर रिसीव्ड होगा। इसमें फिर हम बाद में तीनों कैलकुलेट करके हम मेंशन करेंगे, विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है? एक्चुअल रेंट कितना पे किया वो देख लेते हैं, ठीक है? अब उन्होंने बताया हुआ है इन एडिशन ही हैज आल्सो रिसीव्ड 20,260 एज टोटल कमीशन बेस्ड ऑन सेल्स। ये कमीशन आएगा बच्चों, हमें पता है सैलरी का मतलब हम इंक्लूड करते हैं बेसिक सैलरी, डीए प्लस सेल्स कमीशन। तो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा दिया हुआ है, वो अभी हम ऑब्जर्व करेंगे बाद में। ड्यूरिंग द ईयर ही हैज पेड 3,000 पर मंथ एज हाउस रेंट। 1 महीने का 3,000 यानी 12 महीने का मिला के होगा 36,000 रुपीज। यानी यहाँ पे हमें 3,000 × 12 करना है, तो ये हमें एक्चुअल रेंट मिलेगा। अब बस एक ही बात कैलकुलेट करने की बाकी है, वो है हमारी सैलरी, जिसके अंदर हमें ये तीनों पार्ट ऐड करने पड़ेंगे। सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे या बेसिक सैलरी प्लस डीए विच इज यूज्ड फॉर पीएफ पर्पस या रिटायरमेंट पर्पस एंड सेल्स कमीशन, ठीक है? तो ये तीनों चीजें मिल जाए बाद में हम ऐड करेंगे। सेल्स कमीशन तो एकदम रेडी है हमारे पास, दैट इज गिवन एज 20,260। अब बचा बाकी की दो चीजें, दो वैल्यू, फिर हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगी और बाकी का काम हम आराम से खत्म कर पाएंगे। अब क्वेश्चन बच्चों जो है उसमें हमें जो उन्होंने दिया हुआ है ग्रेड पे उसका हमें सहारा लेना है। तो 12,600 ऐड हो गए, कब तक? जब तक 15,000 सैलरी ना हो। उसके बाद 1,000 इंक्रीमेंट, कब तक? जब तक 25,000 उनका ग्रेड सैलरी पर मंथ ना हो जाए तब तक, ठीक है? तो अब उन्होंने बताया हुआ है 1st जनवरी 2020 को उनकी सैलरी जो थी दैट वाज 13,800। एक साल के बाद एग्जैक्टली अगर कहे तो 1st जनवरी 2021 को अकॉर्डिंग टू द ग्रेड पे 600 रुपए ऐड होंगे, यानी मैं ऐसे ही लिख के बता रहा हूँ, तो 14,400 होगा। देन 1st जनवरी 2022 को सेम 600 रुपए ऐड होंगे, और जैसे ही उनकी सैलरी 15,000 होती है, यहाँ पे गलती नहीं करनी है बच्चों, उन्होंने मेंशन किया है 15,000 के बाद 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट रहेगा। तो 1st जनवरी 2023 को 1,000 का इंक्रीमेंट होगा, देन उनकी सैलरी हो जाएगी 16,000 रुपये। अब हमें जनवरी 23 से लेकर दिसंबर 23 के 9 महीनों की सैलरी यानी अप्रैल 2 दिसंबर 23 कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 2023-24 है। तो ये हमें हेल्प करने वाला है। देन फाइनली
3 महीने और हमें चाहिए, जनवरी से लेके मार्च, तो उसमें भी 1,000 रुपये इंक्रीमेंट होगा, तो सैलरी जो है बच्चों वो हो जाएगी 17,000 रुपये। ठीक है, तो हमें वैसे ऊपर वाले मंथ्स या इयर्स की सैलरी की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें जो सैलरी की आवश्यकता है वो होगी 17,000 रुपीज, ठीक है, एंड 16,000 रुपीज। तो बच्चों अब कैलकुलेट कर लेते हैं, जो सैलरी यहाँ पे हमें बच्चों उन्होंने दी हुई है दैट इज गिवन एज पर मंथ, ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं पूरा हिस्सा इसी तरह से। बेसिक सैलरी, अब आगे बढ़ते हैं, हमें जो काउंट करना है वो काउंट करने का टाइम पीरियड है 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, यानी हमारा प्रीवियस ईयर। बट यहाँ पे बच्चों उन्होंने डीए के लिए कुछ कंडीशन दी है, डीए में उन्होंने दिया हुआ है 1st 6 month 2023 के, उसका 30% ऑफ बेसिक सैलरी। तो पहले क्या है, 2023 में वैसे तो हमारे पास 2023 में 16,000 है सैलरी, ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रॉम अप्रैल 23 टू डिसेंबर 23 कितने महीने होंगे, टोटल टोटल 9 months होंगे, यानी 16,000 सैलरी पर मंथ इंटू 9 कर देंगे हम नेचुरली, ठीक है। तो वो होगा 1,44,000 रुपीज, ठीक है, तो 9 महीने की सैलरी हो गई। देन उसके बाद बाकी जो बचा नेक्स्ट पार्ट, हमें जनवरी 2024 से 31 मार्च यानी मार्च 2024 तक की कैलकुलेशन करनी है, तो उसमें 3 महीने बचेंगे, यानी 17,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 51,000 रुपीज, ठीक है। तो ये 1,44,000 हमें पहले 9 महीने के लिए होगा। अब बीए के लिए बच्चों खास ध्यान रखना है, जो डीए दिया गया है वो उन्होंने 3 टुकड़ों में किया हुआ है, ठीक है, तो पहला बोला है 1st 6 month ऑफ द ईयर 2023। अब 1st 6 months तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, बट उसमें से हमें कितना गिनना है, तो हमें अप्रैल से शुरू करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेप्ट, फर्स्ट मैं लिख तो रहा हूं 1st 6 months ऑफ 2023, उसमें उन्होंने बोला है 30% ऑफ बेसिक पे, ठीक है, 30% ऑफ बेसिक पे यानी बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी है 2023 में 16,000 रुपये, अब हमें 6 महीने तो पहले नहीं गिनने, तो हमें कितने गिनने हैं, तो हमें गिनना है अप्रैल 2023 से लेके जून 2023। क्यों जून तक, क्योंकि उन्होंने पहले 6 महीने बोला है, कितने महीने होंगे, अप्रैल मई एंड जून, उसमें 30% लेना है, 30% ऑफ हमें लेना पड़ेगा 3 महीने का सैलरी, यानी 16,000 × 3, तो ये जो एक पहली अमाउंट होगी 16,000 × 3 यानी 48,000, उसका हमें लेना होगा 30%, तो ये अमाउंट होगा 14,400 डीए। देन नेक्स्ट 6 months बाकी बताया गया है, लास्ट 6 month ऑफ ईयर मैं लिख के बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लास्ट 6 months ऑफ 2023, उसमें उन्होंने बोला है 40% ऑफ बेसिक पे। बच्चों पे तो 2023 में वही है हमारे लिए, बट कैलकुलेशन दिखाने के लिए जरूरी है, जुलाई 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक बच्चों, तो वो हमारे महीने हुए 6, तो उसमें हमें 40% लेना है, तो 40% ऑफ 16,000 × 6, मैं यहाँ पे सीधा 16,000 × 6 यानी 96,000 का ही 40% निकाल रहा हूं, दैट इज 38,400। तो ये दो अमाउंट हुई, ठीक है, कैलकुलेट फिर हम टोटल करने वाले हैं सभी का। और अब उसके बाद उन्होंने जो बताया है कि 1st 6 months ऑफ ईयर 2024 यानी 1st 6 months ऑफ 2024 यानी हमें 6 महीने तो चाहिए नहीं, फिर भी उन्होंने बताया तो पहले वो स्टेटमेंट लिख देते हैं, 50% ऑफ बेसिक सैलरी या बेसिक पे, तो हमें कैलकुलेट करना है नेचुरली मार्च तक का ही, यानी जनवरी 2024 टू सॉरी टू मार्च 2024, यस, तो 3 महीने के लिए 50% ऑफ, 2024 में सैलरी है 17,000 रुपये, तो 17,000 × 3, ठीक है, तो
17,000 इंटू थ्री करते हैं तो 51,000 होगा, उसका हमें लेना है 50%, यानी दैट विल बी 25,500 रुपीज। ठीक है, तो अगर हम बच्चों यहां पे अगर बात करते हैं, आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि अगर हमें टोटल इनका बेसिक पे, क्योंकि हम नीचे तो यहाँ पे सबका टोटल ही करने वाले हैं, बेसिक पे का टोटल जो है वो मिल जाएगा हमें सिंपली यहाँ पे 1,44,000 प्लस 51,000, वो कर लेते हैं। तो वो होगा 1,95,000। ठीक है, टोटल बेसिक सैलरी 1,95,000 हो जाएगा, और उनका टोटल डीए, ठीक है, टोटल डीए ये तीनों का टोटल कर लेते हैं हम, 14,400 प्लस 38,400 प्लस 25,500, तो ये होगा 78,300 रुपीस। ठीक है, तो बच्चों ये कैलकुलेशन तो ऑलमोस्ट हो गई है, अब लास्ट खाली हमें ऐड करना होगा यहाँ पे सेल्स कमीशन। सेल्स कमीशन ऐड कर देंगे, यानी कि वो भी हमने रेडी तो रखा हुआ है। अब वैल्यू रख देते हैं बेसिक पे, यानी 1,95,000 रुपीस प्लस अभी अभी लेके आए 78,300, तीनों को प्लस करते हैं बच्चों, तब हमें सैलरी मिल जाएगी जिसका हमें कब से तैयारी करके हम इंतजार कर रहे हैं, 2,93,560। तो ये बच्चों जो है वो हमें मिल गई हमारी सैलरी। तो सैलरी ना दी जाए तो थोड़ी बच्चों कैलकुलेशन हैवी हो जाती है, ये आप यहाँ पे समझ पाओगे इस सम को देखते हुए। अब आगे का काम सिंपल है, बाकी तो सब हम वर्कआउट कर चुके हैं। सिंपली अब हमें 10% ऑफ सैलरी लेना है, 10% विल बी 29,356, तो उसे हम माइनस करेंगे 36,000 में से, तो वो अमाउंट हमें मिलेगी 6,644 एंड 50% ऑफ सैलरी जो हमारे पास है। ठीक है, यानी 50% ऑफ 2,93,560, 293,560, उसका 50% लेंगे तो दैट विल बी 1,46,780। तो बच्चों इसमें अगर हम कहना चाहे तो नेचुरली इन तीनों में विच एवर इज लेस इज अवर एग्जेम्प्टेड वैल्यू, तो 6,644 ये जो है वो हमारी एग्जेम्प्टेड एचआरए की वैल्यू होगी। 14,400 माइनस 6,644 करेंगे तो टैक्सेबल जो हाउस रेंट अलाउंस है दैट विल बी 7,756। तो बच्चों एचआरए का यह हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर कभी ऐसा हो जाए बच्चों कि यहाँ पे 36,000 है, यहाँ पे 37 आए, यानी माइनस में आता है अगर, ठीक है, तो उस वक्त हम एग्जेम्प्टेड में निल अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, तो एक सम मैंने 26 नंबर जो दिया आपको आगे उसमें आपको अमाउंट में निल मिलेगा, तो दैट विल बी नो एग्जेम्प्शन देयर, तो उस सम में खास ध्यान रखना है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमने देखा है ये पूरा हमारा हाउस रेंट अलाउंस का, नेक्स्ट सेशन में नया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के सेशन में। तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.